नमस्ते एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। बट मैं पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बोला था 2-3 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर लूँगा, बट आज 3-4 दिन हो गया है, मतलब 3-4 दिन भी नहीं, ये 5-6 दिन हो गया है। तो इसीलिए मैं दिल से मांगता हूँ कि वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, गला फिर भी बहुत दर्द दे रहा था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। मुझको अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ। तो आप लोगों को पीछे बहुत सारे नॉइज़ सुनाई दे रहे होंगे, घर में बहुत काम चल रहा है, तो आपको किसी दिन दिखाऊंगा पूरा घर, तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था, आप लोग को घुमाने लेके जाने वाला हूँ, तो आज मज़े ही मज़े करने वाले हैं। वीडियो में भी एक प्रॉब्लम था, हर कोई बोल रहा था मुझको कि वीडियो का साउंड बहुत कम आ रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूँ, आप लोग को चेक करवाता हूँ। ये देखिए, ये बोया भाई MM1 सर्जन्स, जो हमारे वीडियो को और भी अच्छा बनाएगा। एक साउंड का प्रॉब्लम और ब्लॉग में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये बहुत कंफर्टेबल है, तो आपसे आप लोगों को अच्छा साउंड क्वालिटी भी मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए, अब तो जो गाए दिल मेरा, पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा, हम दूर भागे तेरे बिना। गाए हमसे नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना। सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं, और यहाँ से 600 मीटर लगेगा हम लोग वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए, और बहुत ही अच्छी जगह है और मतलब टूरिज्म के लिए। और यहाँ पर जो होता है दिसंबर की और जनवरी महीने में पिकनिक स्पॉट बहुत ही अच्छा है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर पिकनिक बनाते हैं, और आप लोग वहाँ उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग को भीड़ मिलेगा, और उस टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं उस टाइम। तो आप लोग आना है तो फ्री टाइम देख के आप आ सकते हो यहाँ पर। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को बोटिंग के लिए भी स्पेस मिल जाता है, आप आके बोटिंग भी कर सकते हो, और ऊपर की तरफ आप लोगों को वहाँ पे पार्क मिलेगा। ये तो पहले बोटिंग आता है, फिर पार्क आता है, और उसके बाद आप लोगों को वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो हम लोग भी बोटिंग करने वाले हैं, तो बट पहले हम वाटरफॉल देखेंगे, फिर पार्क घूमेंगे, फिर जाके हम लोग करेंगे बोटिंग। तो आज भी बहुत सारे लोग आए हैं, बट इतना ज़्यादा नहीं है। बट आप लोग जब पिकनिक का टाइम होता है तभी बहुत सारे लोग आते हैं, और पहले यहाँ पे जाना थोड़ा बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम प्रॉपर रोड सब बने ही गए थे, और इस टाइम पूरा कंप्लीट कर दिया गया है रोड। इसको डेवलप करने के लिए चल रहा है, काम चल रहा है, बट जितना भी है अभी पहले से ही बहुत अच्छा है। और ये सब सीढ़ियाँ पहले चढ़ के आप लोग को पहले पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, फिर पार्क आएगा, फिर उसके बाद वाटरफॉल आएगा। चलिए चलते हैं भाई, बहुत अच्छा है, पार्क वार्क सब है, आप देख ही सकते हो, मतलब पूरा वेल मेंटेन करके रखा है इस सभी चीज़ को। आप लोग कभी आना तो देखना, बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पर आने के लिए। और इस तरफ है हमारे नीचे की तरफ सनघागरा वाटरफॉल, जो आप लोग को पहले आते ही साइन दिख जाएगा। चलिए चलते हैं, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है जो मैं लोगों के सामने मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसके पहले तो मेरा हौसला ही नहीं था, मैं कभी लोगों के सामने जाके
कैमरा पकड़ के ब्लॉग कर सकूं, बट हिम्मत ला के मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं। अगर आप लोगों को वाटरफॉल अच्छा लगेगा तब आप लोग ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर ज़्यादा करना, जैसे कि हमारा फैमिली बहुत बड़ा होता जाए और हम ऐसे ही बहुत जगह जा कर आप लोगों को नए नए चीज़ दिखाएं। तो देखिए बहुत सारे लोग भी आए हैं यहाँ पर, तो दिखाते हैं आप लोगों को। आप देख सकते हो पूरा वाटरफॉल, और अब कुछ देर इसके पास खड़े रहोगे तो पूरा मतलब पानी निकल के आपकी तरफ आ रहा है और इसमें कैमरा वगैरह फोन वगैरह पूरा भीग जाएगा। और ज़्यादा देर मत रुकना और कैमरा पूरा भीग गया। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है और थोड़ा दूर है वाटरफॉल से, थोड़े दूर चले आए क्योंकि वहाँ पर पानी की छींटे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मतलब पानी का छींटा हमारा कैमरा के ऊपर गिर रहा था इसीलिए कैमरा भीग रहा था, तो मैं दूर थोड़ा आ गया। बहुत ही मज़ा लगता है, मतलब आप लोग जब काम करते हो पूरा थक जाते हो या फिर आप लोगों का मन नहीं करता तो आप यहाँ आते हो तो पूरा रिलैक्सिंग फील होता है। और आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हो, इसका वाटर का फ्लो कभी कम नहीं होता, बट थोड़ा कम हो जाता है गर्मियों के दिन में, बट इसका वाटर का फ्लो कभी उतना ज़्यादा कम नहीं होता कि आप आओ मज़ा नहीं आए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा, आप किसी भी टाइम आप आ सकते हो यहाँ पर मज़े करने के लिए। सुबह 6 से 6 या फिर 8 से शाम 6 तक खुला रहता है, और आप लोग देख ही चुके होंगे, मैंने दिखाया आप लोग को, फिर से दिखा देता हूँ और कुछ सिनेमेटिक आप लोग चेक कीजिए। और चल रहे हैं, मेरा कैमरा का भी बैटरी थोड़ा कम हो रहा है तो हमको जल्दी यहाँ से निकल कर बोटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन मज़ा बहुत आया। आप लोग कभी आना और ऐसे ही मज़े करना अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ और किसी के साथ भी आ सकते हो, आना ज़रूर और मज़े करके जाना। यही इन लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम पूछा और बता दिए, तो थैंक यू, ये लोग ने मुझको सब्सक्राइब कर लिया और उसके लिए थैंक यू, और हेलो बोल दीजिए हमारे वाले। और मुझको अच्छा लगा कि लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं हमको, मुझको देखा उन लोगों ने पूछा मेरे चैनल का नाम, तो उसके लिए शुक्रिया भाई लोग, आप देख रहे हो तो। और अपना नाम भी आप लोग कमेंट में बता देना, मैं अगली बार आप लोगों को ऐसे ही लोगों को शाउट आउट देता रहूँगा, तो मैं कभी नहीं दिया बट इस बार जिसका भी नाम, मतलब जो भी बहुत ही अच्छा कमेंट या फिर मुझको कोई भी अच्छा सजेशन देगा मैं उसका नाम मेरे चैनल पे शाउट आउट करूँगा। तो चलिए चलते हैं अभी, तो अभी यहाँ हम आए हैं बोटिंग करने के लिए, रहा हमारा बोट आ रहा है तो हम चलते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जैसे कि हमारा फैमिली बड़ा होता जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड ड्राइव सेफ, बाय।